या हंस रहा है या क्या बात हुआ? जे कहिए नहीं भेल रे उ भेलौ हैं, जे कहिए नहीं हुए रहौ। अच्छा उ सावन में भेलौ। क्या हुआ तुम्हारा पेट खराब हो गया? ए तो मनबे से पेट खराब हुआ की हो? तो क्या हुआ? तेरा बेटा होलौ। गधा है रे। गधा ना है। हम अभी महल से आ रहे हैं, मुझे कहाँ कुछ हुआ है? आओ महारानी जी का हो। क्या छोटी महारानी बच्चे को जन्म दिया? छोटी महारानी? हाँ। या 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 आए हमरा नहीं हंसा दे। इधर सुनो, आज सिर्फ हम हंसेंगे। या 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 महामंत्री, बरसों से मेरा इंतजार था कि कब इस महल में बच्चे का जन्म हो। क्या ना है? लेकिन आज मेरा सपना पूरा हो गया। अपने राज में घर घर में तुम्हें मिठाई पहुंचाना होगा। मिठाई ना तो पहले महारानी जी को बचाइए। क्या हुआ? वो बेचारी हवा आप डोले छौ। महारानी कमजोर हो गई। जी नहीं जा चाहू, नहीं बैठी रह जाऊ। पहले आवाज लगा। हाँ अभी बुला रहे हैं। हाँ बोलो। ए महारानी जी आई आई दरबार में। ए महारानी जी ए आई हो। ए आई 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 जल्दी आई जल्दी ये तेरा दादी के गे हसियार का बच्चा बुर ले। अरे महारानी को तुम क्यों पकड़ता है? खुश रहो खुश रहो, देखो कितना कमजोर हो गई है। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं है, दो चार गो सीसी मंगा देंगे। महारानी आज तू इस बच्चे को जन्म देके मेरे महल में चार चांद लगा दी। चार चंदे को ना महल के बगल से सीढ़ी। महल के बगल से सीढ़ी। अच्छा सीढ़ी ऊपर बड़का सीढ़ी, उसके ऊपर छोटका सीढ़ी। अच्छा अब बन गया आपके खानदान में नबका पीढ़ी। इतना कस के मारूंगा कि हड्डी पर का चाम छिला जाए। शांत से रहो, आज इसी समय हम अपने बच्चे को नामकरण करेंगे। बहुत प्यारा सा नाम रखेंगे पुत्र का। अपना पूछ ना करो। क्या हुआ? आए हमरा पूछ करल दियो। क्या इस बच्चे का नाम हम रखेंगे? रे आ बेटा है मेरा, अधिकार मेरा नहीं है। नाम रखने का अधिकार है तुम्हारा। हाँ। लेकिन तुमसे अच्छा नाम होगा नहीं। हे महाराज सबसे पहले आप सोचिए और दुनिया वालों का भी बताएंगे। जो भी बाबू आपको पंचवा राजा बोलते थे उसको अभी हम बताएंगे। क्या बताएं? आप पंचवा राजा नहीं रहे, आप बन गए पप्पा जी। क्या? हाँ महल में पुत्र का जन्म हुआ। हाँ तो हम बन गए पप्पा जी। आप बन गए पप्पा जी। अच्छा अम्मा रानी जी बन गए मम्मी जी। अच्छा अच्छा हम बन गए दादाजी। हरम ज्यादा तुम दादा नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा मालिक। आप बड़े सरकार? हाँ ये हो रहा छोटा सरकार। वाह वाह मैं दादा बने रही। बता महामंत्री नाम रखने दीजिए। नाम नहीं होगा। उतना बढ़िया नाम रखेंगे। हाँ। नाम को यहाँ सोचे हैं तो? 6 महीना पहले भुट्टा खेत में बैठ के। हाँ। नाम सोचे हैं 6 महीना पहले से नाम सोच के रखा जी भुट्टा खेत में। भुट्टा खेत? हाँ। क्या नाम सोचा है? इस बच्चे का नाम उतना सुंदर रख देंगे, उतना बढ़िया नाम रखेंगे। अच्छा जो कि हर एक चौक चौराहे पे किलो दो किलो बिकेंगे। हाँ नाम बिकेगा? हाँ हो। अरे वाह, ऐसा नाम तो कभी नहीं सुने हैं महाराज। तो यहाँ पर किसी बच्चा का वो नाम नहीं होगा? वही ना बच्चा हो लो नहीं होते। हाँ तो क्या नाम रखेगा? इस बच्चे का नाम सबसे सुंदर। हाँ। सबसे बढ़िया। हाँ। रख दीजिए भट्टा बैगन। हर हम ज्यादा कही कहा बताओ, परसों के बाद बच्चे का जन्म हुआ और मेरे पुत्र का नाम कहीं भट्टा बैगन होगा? तब करेला रखबो। शट अप,
तुमसे नहीं होगा, इससे बढ़िया नाम रखेंगे। अरे हम रखेंगे तुमसे नहीं, इससे बढ़िया नाम, इससे बढ़िया। हाँ क्या रखेगा? इस बच्चे का नाम सबसे सुंदर, हाँ। सबसे भेजो, हाँ। रख दीजिए कच्चा मछली। हम ज्यादा कहीं का गैचा मछली नाम रहता है। आए हमरा ढोरे ढिल्ला करवो के। सड़ तुम ध्यान से सुनो, नाम हम रख रहे हैं। ये मेरा राज है उत्तमपुर शहर, इस राज में मेरा नाम है राजा उदानपाद सिंह। मेरे पुत्र का नाम रहा उत्तम कुमार। ए महाराज कितना प्यारा नाम है उत्तम कुमार। हमरा सस्पिशन हुए छौ। क्या हुआ? आप नहीं ऊपर क्या आपका नाराज पड़ता है उत्तमपुर शहर, और ये आपका नाम राजा उत्तम पाद से, और ये अपने बच्चे का नाम रखे उत्तम कुमार, तीनों ये खेल मुरल को किया। एक लौवा का मुरल नहीं, ये तीनों राशि का हुआ। और एक राशि का, राशि का मतलब समझता है? हम एक के राशि समझते हैं। कौन है? कुंभ राशि। सड़ा इस गांव में जाके घर घर में तुम मिठाई पहुंचा दे, और सबसे कह दे महाराज के घर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। मिठाई बाबू नहीं बांटेंगे तो एक संग भोजे कर देंगे। भोज करेगा? मिठाई हमें कब तक बांटता रहे? हाँ भोज करने का समय है। हाँ अभी हम यहाँ से जाएंगे बाजार। अच्छा इस सब को देंगे नौता? तो कहाँ खिलाएगा सबसे कह दे। अभी हम बता रहे हैं, अभी हम यहाँ से जाएंगे बाजार, वहाँ से लाएंगे 2 किलो चावल, तब वो नहीं भोज होता। 2 किलो चावल में भोज हो जाएगा? 2 किलो चावल में वो सबको खिलाएंगे, उसमें बस भी जाएंगे। कैसे खिलाएगा? देखिए ना कैसे खिलाएंगे। कैसे लाएंगे? 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, अच्छा आधा किलो आलू, अच्छा 100 ग्राम सोयाबीन परी, सोयाबीन परी फूले वाला हो। अच्छा लेकिन खिलाएगा कैसे? सब मिला के करेंगे भोज। भोज? हाँ कैसे? ये सब सिंटेगा वाला को देंगे नौता, सबको नौता दे। हाँ छटका से मटका तक सम्हारा चुलिया लेवार, चुलिया लेवार। हाँ अच्छा ठीक, सबको देंगे नौता। हाँ जैसे नाच बंद करेंगे, हाँ इस पीछा पीछा के बैठेंगे पाता, हाँ हम टेम्पू में ढुकेंगे, हाँ हो जाएंगे नहीं पता। इज्जत का बेड़ा मार महारानी। चलो चलो अब महल चलते हैं, बाकी बचे हुए जिंदगी को हम हंसी खुशी में गुजारेंगे, पुत्र के लिए कभी आंसू नहीं बहाएंगे। चलो ठीक है, अपने ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अपने ही जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। दा 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 दा। कभी ना जिसे दर्द काटो को मिला कभी ना, हाँ जिसे दर्द काटो को मिला कभी ना, ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द काटो को मिला कभी ना, हाँ जिसे दर्द काटो को मिला कभी ना। बस यही बात याद